उज्जैन पुलिस द्वारा फरार आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उज्जैन पुलिस को सफलता हाथ लगी, जिसमें इनामी आरोपी को माधव नगर पुलिस ने अपने जीजा के घर से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। माधव नगर थाने में आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी पिछले 10 माह से फरार चल रहा था। फरार आरोपियों पर उज्जैन पुलिस लगातार नकेल कसता जा रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर 5,000 के इनामी बदमाश चंदन गोमे को सावेर रोड स्थित ग्राम डेंडिया से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने सितंबर में अपने साथियों के साथ मिलकर एक मकान का कब्जा छुड़वाने गई पुलिस टीम पर पथराव किया था, तभी से आरोपी फरार था। आरोपी से पूछताछ कर अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई भी की जा सकती है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। सर बताएं, पुलिस को किस तरह की सफलता मिली और पिछले दिन से जो पीडीए फरार था और क्या क्या धारा इन पर लगाई गई? अभी उज्जैन पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी लंबित अपराध है उनमें फरार आरोपी है उनके खिलाफ हमने एक अभियान चला रखा है, जिसमें उनकी तलाश की जा रही है। तो इसी के तहत हमने एसपी और एडिशनल एसपी सर के मार्गदर्शन में हमने ये कार्रवाई की। इसमें हमें मुखबिर से सूचना मिली कि चंदन गोमे, जो कि एक गंभीर अपराध का फरारी आरोपी है जिसपे 5,000 का इनाम भी है, वो अपने जीजा से, जो कि सावेर रोड स्थित एक किसी मकान में रहता है, तो वहाँ अपने जीजा से मिलने आ रहा है। तो तुरंत हमने इस पर एक्शन लिया, एक टीम गठित करी और टीम ने दबिश दी और दबिश के दौरान ये वहाँ मौके पर मिला मकान पर और इसको गिरफ्तार किया गया। घटनाक्रम इसमें इस प्रकार है कि पिछले साल सितंबर में एक नगर निगम टीम द्वारा एक कब्जा हटाने की कार्रवाई हुई थी, उसमें नगर निगम की टीम और पुलिस पर इन लोगों ने पथराव किया था, जिसमें बाकी आरोपियों को हमने उसी समय गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चंदन गोमे काफ़ी लंबे समय से इसमें फरार था। पूर्व में भी हमने इसमें दबिश दी है और इसकी तलाश के लिए अलग अलग स्थानों पर टीम भी भेजी थी, लेकिन अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं थी। लेकिन इस अभियान के तहत काफ़ी जो है कोशिश की जा रही है फरारी, तो उसी के तहत हमने ये कार्रवाई की। तो किस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी इन पे? अभी तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हम थाने से, अन्य थानों से भी ले रहे हैं और हमारे यहाँ भी जो 4 अपराधे दर्ज हैं, तो रिकॉर्ड देखने के बाद इसमें अगर रासुका लायक कार्रवाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।